तो मेरी लास्ट स्टोरी टाइम वीडियो के बाद, एक्चुअली मेरी हर स्टोरी टाइम वीडियो के बाद तुम लोगों के इतने कमेंट्स आते हैं कि यार तुम स्टोरी टाइम वीडियोस और क्यों नहीं डालते, स्टोरी टाइम इतने कमेंट्स होते हैं। तो सुनो यार, आज तक मैंने अपने चैनल पे जितनी स्टोरीज डाली है ना, वो सारी मेरे साथ एक्चुअली हुई हैं, एक भी स्टोरी फेक नहीं है अभी तक। बट आई डोंट थिंक हर इंसिडेंट जो मेरे दिमाग में आता है वो सुनाने लायक होता है, क्योंकि यार कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंग होती हैं, कुछ नहीं होती, कुछ सुनाने लायक होती हैं, कुछ नहीं होती। तो इसीलिए जब जब मेरे दिमाग में कोई ऐसी स्टोरी आती है जो मुझे लगता है कि हाँ ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मैं तुम्हें सुना सकता हूँ, तो आई मेक श्योर कि मैं उसके ऊपर वो वीडियो बनाऊँ। एंड ऐसी एक स्टोरी हम आज सुनने वाले हैं मेरे बचपन की। तो ये बात है उस जमाने की। अब ये बात है जब आई वॉज इन क्लास फिफ्थ, नॉट श्योर फोर्थ फिफ्थ सिक्स, कोई एक तो थी, इतना नहीं याद अब। तो हमारे स्कूल में ना, अच्छा एक सेकंड, मैंने स्कूल का नाम नहीं बताया ना। ओके, तो आज मैं पहली बार अपने चैनल पे रिवील करने वाला हूँ, मेरे स्कूल का नाम था लैंसर्स कॉन्वेंट। तो तुम सबने टाइक्वांडो के बारे में तो सुना होगा, टाइक्वांडो नाम की वो स्पोर्ट्स मार्शल आर्ट्स जैसी जो है, यार एक सेकंड, उसको टाइक्वांडो ही बोलते हैं ना, एक मिनट गूगल करके देख लेने दो। तो देखते हैं यूट्यूब बाबा क्या कहते हैं टाइक्वांडो के बारे में। टाइक्वांडो क्या 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 टाइक्वांडो टाइक्वांडो। मैं एक काम करूंगा, मैं टाइक्वांडो ही बोलूंगा, मैं गवार लगू बेशक, पर कोई नहीं, टाइक्वांडो टाइक्वांडो। तो हमारे स्कूल में टाइक्वांडो या टाइक्वांडो नाम की जो ये स्पोर्ट थी, ये हमें नया नया ही सिखाना शुरू किया था। तो टाइक्वांडो जब तुम स्टार्ट करते हो तो सबसे बेसिक तुम्हें स्टार्टिंग में मिलती है व्हाइट बेल्ट, और उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है, तुम्हारे टेस्ट वगैरह होते हैं, उसके बाद येल्लो, ऑरेंज, ग्रीन, ऐसे बढ़ते बढ़ते सबसे टॉप लेवल पे होती है ब्लैक बेल्ट। तो हमारे स्कूल में टाइक्वांडो सिखाना स्टार्ट किए हुए ज्यादा से ज्यादा 2 महीने हुए होंगे, एंड हमारे बैच में जितने भी लोग थे उनमें से कोई भी येल्लो बेल्ट से ऊपर नहीं था, जितना मुझे याद आता है, एंड मैं खुद येलो बेल्ट था। बस यही था, रोज सुबह 1 घंटा हमारे टाइक्वांडो की ट्रेनिंग होती थी एंड सब सही चल रहा था। इसके बाद हमारे स्कूल के पास एक दूसरा स्कूल था जिसका नाम है महाराजा अग्रसेन, वहां पे होता है एक टाइक्वांडो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज। अब यार क्योंकि नया नया टाइक्वांडो सीखा था, जोश था, तो मैं और मेरे उस टाइम का जो बेस्ट फ्रेंड था कुणाल, हम दोनों ने उस टूर्नामेंट में बड़ी खुशी खुशी से अपना नाम दे दिया कि यस हम पार्टिसिपेट करेंगे, हम अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब आता है टूर्नामेंट वाला दिन एंड हमें हमारी स्कूल की बस में बिठाकर महाराजा अग्रसेन स्कूल लेके जाया जाता है टूर्नामेंट के लिए। वहां पे हमें पता चलता है कि हमें 2 पूल्स में बांट दिया गया है, मैं था पूल ए में और कुणाल था पूल बी में। हर पूल में 2-2 मैचेस होंगे एंड रिस्पेक्टिव पूल्स के जो विनर्स होंगे, पूल ए का विनर और पूल बी का विनर, उन दोनों का एक दूसरे से मैच होगा एंड वो जो जीतेगा उसको गोल्ड मेडल मिल जाएगा। तो पहले पूल ए के मैचेस हुए एंड लकीली नहीं, मतलब मैं ठीक ठाक टाइक्वांडो में अच्छा था, तो मैं अपने पूल में दोनों मैचेस जीत गया एंड मैं फाइनल में पहुंच गया। और पूल बी में कुणाल अपना फर्स्ट राउंड तो काफी इजीली जीत गया था, लेकिन सेकंड राउंड में कुणाल का जो मैच था वो था महाराजा अग्रसेन स्कूल के चैंपियन के साथ। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, डिफरेंस बताता हूँ वो चैंपियन कैसे और हम क्या थे। हम हैं येलो बेल्ट, जो कि सेकंड लेवल होता है बेसिकली, पहला लेवल व्हाइट बेल्ट, सेकंड लेवल येलो बेल्ट, इसके बाद ऑरेंज, ग्रीन और फिर नहीं मेरे को पता, ब्लू, पर्पल, ऐसे होती है, और फिर उसके बाद बढ़ते 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 फिर आता है रेड, फिर आता है रेड ब्लैक, और फिर होता है ब्लैक। जो ब्लैक होता है वो हाईएस्ट लेवल होता है। अब तुम सोचो हम येलो बेल्ट हैं और वो बंदा रेड ब्लैक बेल्ट था, विच बेसिकली मीन्स कि अगर तुम रेड ब्लैक बेल्ट हो तो तुमने एटलीस्ट 1 साल या 2 साल से तुम टाइक्वांडो सीख रहे हो, ट्रेनिंग कर रहे हो, टेस्ट वगैरह क्लियर कर रहे हैं, एंड हम येलो बेल्ट थे यार, हमें ज्यादा से ज्यादा 2 महीने हुए होंगे। तो यार अब होती है कुणाल की फाइट उस चैंपियन स्टूडेंट के साथ। तो लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली, उसने कुणाल का कचुंबर बना दिया। मुझे अभी तक याद आता है कि जब फाइट खत्म हुई थी तो कुणाल की नाक से खून निकल रहा था, बिकॉज उस बंदे ने उसको एक फ्लाइंग किक मारी थी नाक पे, जिसके बाद कुणाल की नाक जो थी वो बहने लग गई थी एंड रेफरी जो था उसने वो खत्म कर दी थी यार फाइट वहीं पे, क्योंकि इट वॉज अ नॉकआउट यार, नाक पे लात मारी, खून निकल रहा है अगले के, फाइट ओवर। मैं तो ऑलरेडी फाइनल में हूं, लेकिन भाई अब फाइनल में मुझे जिसके साथ फाइट करना है उसने तो मेरी आंखों के सामने कुणाल का बैंड बजा दिया। अरे प्रत्यक्ष देखा है मैंने कुणाल की नाक फोड़ते हुए उस बंदे को। अरे और इस बंदे के साथ फाइनल में मेरे को फाइट करनी है, आर यू किडिंग मी। नहीं मैं कह रहा हूँ ये मजाक हो रहा है।
एक चौथी पांचवी क्लास के बच्चे के दिमाग पे क्या बीत रही होगी सोचो तुम यार। ओके तो अब आता है फाइट का टाइम। अब फाइट से पहले ना तुम्हें एक हेडगेयर पहनाया जाता है और एक चेस्ट गार्ड या चेस्ट पता नहीं आर्मर कुछ कहते हैं वो पहनाया जाता है। और वो पहना रहे थे मुझे महाराजा अग्रसेन के दो स्टूडेंट्स जो कि वो होते हैं ना वॉलंटियर्स होते हैं ऐसे इवेंट्स वगैरह में, तो वो मेरे को वो हेडगेयर और चेस्ट गार्ड पहना रहे थे। अब हेडगेयर पहनाते पहनाते वो क्या बोलते हैं मुझे, सुनो यार तू ना एक काम कर, तू बैक ऑफ कर दे। अरे तूने देखा तेरे दोस्त की क्या हालत कर दी है यार, तुझे पता नहीं है ये हमारे स्कूल का चैंपियन है ब्रो, ये सबसे बड़ा चैंप है हमारे यहाँ का, रेड ब्लैक बेल्ट है यार, तू येलो बेल्ट है ब्रो, देख इसने अभी तेरे दोस्त की नाक फोड़ दी, खून निकाल दे, तेरे साथ भी ऐसा होगा, तू बैक ऑफ कर दे। मतलब उन्होंने फाइट स्टार्ट होने से पहले इतना डिमोटिवेट करने की कोशिश करी मेरे को कि इसको तो हम बैक ऑफ करा देंगे, ये तो फाइट करेगा ही नहीं, इसको तो हम बोल बोल के ऐसा डरा देंगे ना। उन्होंने पूरा पूरी पूरी कोशिश करी, उन्होंने फुल ट्राई करा, लेकिन यार अब इतने आराम से थोड़ी ना बैक ऑफ कर देंगे। अरे यार अपने स्कूल से आया है यहाँ पे फाइट करने के लिए, इज्जत है अपनी भी कुछ समाज में कि नहीं भाई, येलो बेल्ट पहनी है ऐसे ही थोड़ी ना पहनी है, 3 महीने मेहनत करी है इसके लिए। येलो बेल्ट वर्सेस रेड ब्लैक बेल्ट। अब इतना प्रेशर कम था क्या मेरे पे कि थोड़ी देर में एक अनाउंसमेंट होती है। अब ये लड़का जिसके साथ मेरी फाइट थी, ये मैंने तुम्हें बताया ये महाराजा अग्रसेन का चैंप था, तो इसीलिए इस फाइट को हाइप अप करने के लिए इसको आज के दिन की, आज के इवेंट की मेन अट्रैक्शन बना दिया गया। विच बेसिकली मीन्स के इस इवेंट में जितनी भी और फाइट्स हो रही है बाकी एज ग्रुप्स वगैरह में, जितनी भी फाइट्स हो रही है, जब वो सारी फाइट्स वगैरह सब खत्म हो जाएंगे, सबके रिजल्ट्स आ चुके होंगे, तब लास्ट में ये वाली फाइट जो है मेरी और इस महाराज अग्रसेन के चैंपियन की, ये एंड में होगी ताकि सारे लोग अपनी आंखें गड़ा के सिर्फ हमारी फाइट देख सके। अब 100 लोग हमारी रिंग को घेर के खड़े हुए हैं, कसम से सबकी आंखें बस हम दोनों पे। ऊपर से ये वो लड़का है जिसने कुणाल की नाक फोड़ दी थी, ऊपर से ये रेड ब्लैक बेल्ट है, ऊपर से ये स्कूल का चैंपियन है, और मैं, अरे मेरे को तो 2 या 3 महीने हुए हैं सीखते हुए, येलो बेल्ट पहन के घूम रहा हूँ। और ये दो लड़के ये मेरे को डरा रहे हैं अलग से कि भाई तू बैक ऑफ कर दे, भाई वो तेरे को मार देगा, भाई वो ये कर देगा, भाई वो कर देगा। तो अब हेडगेयर और चेस्ट गार्ड पहन के मैं तैयार होकर रिंग की टुवर्ड्स जाने ही लग रहा हूँ, लेकिन ये दो लड़के अभी भी पीछे से मेरे को यही बोल रहे हैं, भाई तू बैक ऑफ कर दे, भाई वो चैंपियन है, वो मार देगा तेरे को, भाई तू समझ क्यों नहीं रहा, भाई ये भाई वो। एंड मैं उनकी बातें बस इग्नोर किए जा रहा, मेरा फोकस सिर्फ रिंग में उस लड़के के टुवर्ड्स है कि यार मुझे इसको फाइट देनी है, भाई मेरे को जीतना है, मैं जीत सकता हूँ, आई कैन डू इट, यस मेरे अंदर थी वो भावना। तो अब फाइट स्टार्ट होती है, एंड वन थिंग जो मेरे को उसकी और कुणाल की फाइट से याद थी कि ये लड़का ना उड़ उड़ के लाते मारता है, मतलब इसको ना थोड़ा सा फ्लाइंग एक्शन में ज्यादा इंटरेस्ट था, तो मैं एक चीज ये जरूर कर सकता हूँ कि इसको जब भी ये ऐसे भाग के किक करने की कोशिश करेगा आई कैन सिंपली डॉज इट, एंड मैंने वही करा फाइट में। हर बार जब वो ऐसे उड़ के लात मारने की कोशिश करता मैं बहुत ईजिली उसको डॉज कर दे रहा था, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत इक्वल फाइट हुई, एंड मैंने भी उसको काफी पंचेस दिए चेस्ट पे, उसने मेरे को काफी पंचेस दिए चेस्ट पे, एंड एक काफी इक्वल सी फाइट हुई। एंड इसके बाद फाइट जैसी ओवर हुई तो जजेस के पॉइंट्स के बेसिस पे डिसाइड होना था कि कौन जीतेगा, तो जो रेफरी था उसने हम दोनों के हाथ पकड़े हुए थे, एक साइड मेरा हाथ पकड़ा हुआ, एक साइड उसका हाथ पकड़ा हुआ, एंड जैसी 3-2-1 काउंट डाउन हुआ मैंने बस अपनी आंखें बंद करी हुई है कि ये मेरा हाथ रेस करेगा, एंड रेफरी ने एकदम से उस लड़के का हाथ रेस कर दिया और मैं फाइट हार गया। Yep, I lost. मैं नहीं जीता, तो इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग नहीं हुई, हार गया मैं उस दिन। तो अब हारा हुआ डिजेक्टेड सा थोड़ा मन में मेरे यही चल रहा है यार कि मैं जीत सकता था, मैंने शायद उसको ज्यादा पंचेस करे हैं, मे बी अनफेयर था ये। एंड मैं वापस आता हूँ अपना हेडगेयर और चेस्ट गार्ड उतारने के लिए, तो वही दो स्टूडेंट्स जो फाइट स्टार्ट होने से पहले मेरे को बहुत डिमोटिवेट कर रहे थे अब आते हैं मेरी हेडगेयर और चेस्ट गार्ड उतरवाने में हेल्प करते हैं, और साथ साथ बोलते हैं अरे भाई मान गए तेरे को यार, तू तो क्या फाइट दिया उसको, एकदम बराबर की फाइट दिया है, पॉइंट्स तक ले गया यार तू, जजेस को डिसाइड करना पड़ा पॉइंट्स पे कौन जीतेगा, वरना इससे लेके जो दोनों मैचेस हुए हैं उसके भाई वो नॉकआउट पे जीता है, एंड तू पॉइंट्स तक ले गया यही बहुत बड़ी बात है, भाई वो रेड ब्लैक बेल्ट है और तू येलो बेल्ट है और इतनी सही फाइट दे गया तू, भाई मान गए तेरे को। एंड इतने में वो चैंपियन स्टूडेंट आता है मेरे पास एंड मेरे से हाथ मिलाता है एंड मुझसे पूछता है आर यू एक्चुअली येलो बेल्ट, क्योंकि तू यार एक येलो बेल्ट से तो बहुत बढ़िया लड़ा, एंड आई वाज लाइक थैंक्स। अब इस पॉइंट पे मेरे को हारने की वजह से जितना बुरा फील हो रहा था ना मेरे को अब अच्छा लगने लग गया, क्योंकि यार ये वही दो लड़के हैं जो फाइट शुरू होने से पहले मेरे को ये बोल रहे थे कि यार तू बैक ऑफ कर दे, ये तेरे को मार देगा, ये चैंपियन है, तू येलो बेल्ट है, तू खड़ा भी नहीं हो पाएगा इसके सामने,
ऐसा ऐसा था। एंड अब यही स्टूडेंट्स मेरे को बोल रहे हैं कि यार तूने बहुत अच्छी फाइट थी यार, हम इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, भाई तू तो क्या खेला है, लाइक सीरियसली एक इज्जत वाला काम करा यार मैंने चौथी क्लास में, क्या इज्जत वाला काम था। बट फिर भी इसको एक अच्छी मॉरल ऑफ द स्टोरी की तरह से अगर तुम देखो तो यार सिर्फ जीतना मैटर नहीं करता, ट्राई करना भी बहुत बड़ी चीज है यार। हर बार तुम्हें सक्सेस मिले, हर बार तुम मतलब जीत ही जाओ, ये तो नहीं हो सकता ना। फेलियर से भी इंसान मतलब समझ जाओ यार, मैं अब कोई संदीप महेश्वरी थोड़ी ना हूं जो तुम्हें अच्छी मोटिवेशनल स्पीच दे रहा हूं। बट फिर भी एक चीज मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर फेलियर नहीं होगा तो सक्सेस समझ नहीं आएगा ना कि क्या होगा, सक्सेस क्या होती है उसका मतलब ही नहीं समझ आएगा अगर फेलियर ना हो। तो विनिंग इज ऑलवेज नॉट इम्पॉर्टेंट। एंड इस पॉइंट पे आज की ये स्टोरी टाइम हम बंद करते हैं, बहुत लंबी स्टोरी हो चुकी है, मेरे ख्याल से आज तक की सबसे लंबी स्टोरी है। एंड अगर तुमको पसंद आई हो ये मोटिवेशनल स्टोरी तो लाइक करना ताकि मुझे पता चल जाए कि मैं भी संदीप महेश्वरी सर की तरह एक अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर बन सकता हूँ। अगली वीडियो में मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।